वित्त मंत्री अरुण जेटली आज साल 2015 का 15-16 का बजट पेश करेंगे, जो मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। और वहीं इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ के न्यूज रिपोर्टर राजीव श्रीवास्तव लखनऊ से लाइव जुड़े। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं और इस बार एक पूर्ण बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। जी देखिए, उम्मीदें बहुत है सरकार से लोगों को। एक तो सरकार जो है पूरी तरीके से फुल मेजॉरिटी में आई है, इसलिए और भी उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा गृहणियों की उम्मीदें हैं। महंगाई जिसकी बात पिछली सरकार में की जा रही थी, जिससे लोग त्रस्त थे, उससे अभी कहीं भी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं लोगों को उससे राहत मिलने की। तो जहां तक हम लोगों से बात हुई है तो महंगाई से लोग अभी भी त्रस्त नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद इस बजट से ये है कि महंगाई से कुछ राहत मिलनी चाहिए। और जो लोग कारोबार से जुड़े हैं उनका कहना यह है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा है, तो जो मुनाफे की बात होती है वो काफी उसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने में ही निकल जाती है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इससे भी लोगों को काफी उम्मीद है कि सरकार इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर भी कुछ कदम उठाएगी। इसी तरीके से अगर होम लोन की बात करें तो होम लोन के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। जो इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि सरकार कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कम करेगी, जिससे लोगों को, जो सरकार का ही सपना है कि सभी लोगों को घर हो, घर अपना होना चाहिए, उस जो मुहिम है सरकार की वो पूरी तभी हो पाएगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक का वो कम किया जाएगा। जी तो क्या कहा जा सकता है कि राजीव, महंगाई और भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता इस बजट में क्या कुछ उम्मीद कर रही है? देखिए, इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं लोगों को। भ्रष्टाचार की आपने बात जो उठाई, जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार से काफी, जितने पिछली सरकार में इतने सारे स्कैम हुए, इतने लाखों करोड़ का सरकारी धन जो था वो लोगों की जेबों में चला गया। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी ये बात कही थी कि सरकार जब आएगी तो काले धन को वापस लाएगी और एक एक व्यक्ति के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में पैसे जाएंगे, सरकार का एक एक पैसा जो है लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो ये सारी जो उम्मीदें हैं लोगों को अभी भी हैं और ये माना जा रहा है कि सरकार आई है, सरकार कुछ करेगी। महंगाई के मामले पे हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले पर हो, उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जो विदेशों में धन पड़ा हुआ है लोगों का वो वापस आना चाहिए, जिससे आर्थिक स्थिति देश की सुधरनी चाहिए। और ये सारी कवायद सरकार जो कर रही है उसको अब दिखाना होगा कि बजट के सेक्टर में, बजट अगर प्रावधान ला रही है तो अगर सरकार विदेशों से धन वापस आ रहा है तो किस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी। मेन चीज ये है कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। सरकार इसके लिए क्या कदम उठाती है, लोगों को इस सरकार से बजट में काफी उम्मीदें हैं कि कुछ महंगाई कम होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए, जिसके वजह से महंगाई की दर काफी बढ़ जाती है, बिचौलिए बीच में हावी हो जाते हैं। इन सब चीजों पे सरकार को नजर अपनी डालनी होगी और लोगों की उम्मीद भी इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई है। जी अवधेश, राजीव, अगर हम मध्यम वर्गीय लोगों की बात करें तो मध्यम वर्गीय लोगों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, क्योंकि एक महंगाई है इस वजह से, ना ही दूसरा उन्हें छूट मिल पाता है इस वजह से, भी दो तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो मध्यम वर्गीय लोगों की अगर हम बात करें तो अरुण जेटली के इस बजट से क्या उन्हें कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है? जी देखिए, मध्यम वर्गीय तो अभी भी महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। गैस के दामों में अभी तक कोई खास कमी नहीं की गई है। जिस तरीके से पेट्रोलियम के दाम जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी कम हो चुके हैं, उसके रेशियो में अगर हम यहाँ की बात करें, सरकार ने उस रेशियो में अभी तक कहीं कोई कमी नहीं की, थोड़ी थोड़ी कमी की जाती है। अभी जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए, जो कमी अभी की गई है वो काफी कम है। इसके लिए भी लोगों का ये कहना है कि सरकार को जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब कच्चे तेल की कीमत में कमी आई है तो सरकार को यहाँ भी पेट्रोलियम और डीजल के मामलों में रेट में उनमें कमी की जानी चाहिए थी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर ये दिखता है कि जो घरेलू उपयोग की चीजें हैं वो चूंकि ट्रांसपोर्ट से ही आती जाती हैं तो उसका दाम बढ़ जाता है। अगर पेट्रोलियम के दाम कम किए जाएं तो घरेलू जो उपयोग की चीजें हैं उनके दामों में कमी आएगी। और जो महीने का बजट होता है, एक आम आदमी का जो बजट होता है, जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा खर्च होता है, घरेलू जरूरतों पे खर्च होता है, शिक्षा पे खर्च होता है, तो इस पे कहीं कोई असर दिखना चाहिए। सरकार को ऐसे कोई कदम उठाने
आने चाहिए। फिलहाल राजीव, आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें जो कि एक दिन पहले हुआ था और आज मिल रही खबरों के अनुसार कच्चे तेल पर दोबारा कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है। अगर कच्चे तेल पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम दोबारा महंगे हो सकते हैं। जी, सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो काफी कम होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है, लेकिन आम आदमी को उसका कोई राहत जो दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। अगर सरकार इस तरीके से कस्टम ड्यूटी को और बढ़ा देती है तो कुल मिला के स्थितियां वही हो जाएंगी जो पहले थी और आम आदमी वही स्थिति में पहुंच जाएगा जो पहले भी थी। तो उसका उसके जो सामाजिक जीवन का स्तर है, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उसमें कहीं भी कोई कमी आएगी नहीं। इस बात को सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए। लोगों की उम्मीदें काफी जुड़ी है और सरकार के साथ में इस समय सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, सरकार पूरी तरीके से बहुमत में है, निर्णय जो भी चाहे पूरी मजबूती के साथ में ले सकता है और उसका असर भी आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा है। अब ये आने वाले बजट में क्या प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा है सरकार से और देखना ये होगा कि किस तरीके से सरकार उन लोगों की उम्मीदों को पूरा कर पा रही है। हालांकि राजीव, एक राहत की बात भी सुनने में आ रही है कि टैक्स की प्रक्रिया को कुछ सरलीकरण किया जा सकता है, मतलब टैक्स की प्रक्रिया अब पहले से सरल होने वाली है। साथ ही साथ इस तरह की खबर भी मिल रही है कि टैक्स में जो 2.5 लाख की छूट थी, 2.5 लाख से बढ़ा करके वो 3 लाख की जा सकती है। जी, सरकार ये प्रावधान ला रही है, ये स्वागत योग्य है और लेकिन एक लोगों की उम्मीदें ये भी है कि सरकार जो 10 तरीके के टैक्स लगाती है उसको मिला के एक टैक्स का प्रावधान किया जाना चाहिए कि अगर इनकम टैक्स में छूट दे दी गई तो सर्विस टैक्स में आदमी फंस जाता है। तो ये सर्विस टैक्स भी कई सेक्टरों में ऐसे लगा दी गई, उसकी भी छूट बढ़ाई जानी चाहिए कि जो आम आदमी जो बहुत कम कमाता है, अपनी जरूरतों को किसी तरीके से पूरा करता है, वो जो कुछ भी कमाता है उसका एक बड़ा सा लार्जर सेक्शन जो है वो इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स और ना जाने कितने टैक्सेस के रूप में वो वापस ही गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो ये सरकार इस पे भी ध्यान सरकार को देना चाहिए कि जो भी टैक्स हो वो कई तरीके के ना होके एक टैक्स के रूप में जो है आदमी से लिया जाए, जिससे उसकी बचत हो सके और उसकी जेब पर जो असर पड़े वो कम से कम पड़े और सरकार में बेहतरी भी हो सके कि जो आम आदमी जो टैक्स पे कर रहा है सरकार उससे कुछ विकास के भी काम कर सके। हालांकि राजीव, इस आम बजट को लेकर के आप आम लोगों के बीच में भी गए होंगे, महिलाओं के बीच में भी गए होंगे, बच्चों के भी बीच में गए होंगे, महिलाओं का एक अहम रोल होता है, तो महिलाओं का क्या कहना है, गृहिणियों का क्या कहना है, उनको किस तरह की राहत की उम्मीद है इस आम बजट से? जी देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान नजर आता है तो वो आम घरों में जो महिलाएं हैं वो, तो क्योंकि बजट जो कुछ भी होता है वो उन्हीं को घरेलू बजट अपना मैनेज करना होता है, तो अभी सबसे बड़ा जो खर्च जा रहा है वो उस पर कहीं भी पिछले जब से सरकार आई है तब से कहीं कोई फर्क नहीं दिख रहा है। जो सबसे बड़ा सेक्शन चला जाता है आदमी की कमाई का वो शिक्षा पे चला जाता है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, लोग अगर पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो अगर लोन का प्रावधान है लेकिन लोन में भी इतने ज्यादा परसेंटेज रख दिए गए हैं कि उसको पे करने में आदमी की कमर टूट जाती है। जो जरूरत की चीजें हैं, घरेलू जरूरत की चीजें हैं, उसमें काफी महंगाई है। पेट्रोलियम के दाम चूंकि कम नहीं जिस रेशियो में होने चाहिए, तो कुल मिला के जो सारा असर पड़ता है वो घर पे ही पड़ता है। घरेलू महिलाएं जो हैं वो बजट को अपने मेंटेन करते हुए उनको काफी समस्याएं आती हैं। कोई भी सामान जो है वो सस्ते नहीं हो पा रहे क्योंकि अगर कहीं भी इतने टैक्सेस के प्रावधान है तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें टैक्सेस का प्रावधान जो है कम किया जाए, टैक्सेस कम लिए जाने चाहिए जिससे जो घरेलू बजट है वो ना गड़बड़ाने पाए। हालांकि राजीव, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, जैसा कि अभी आपने कहा, तो कृषि क्षेत्र को इस बजट में काफी तवज्जो मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और यहां तक खबरें आ रही हैं कि खाद वगैरह पर सब्सिडी भी दिया जा सकता है। जी देखिए, सब्सिडी का प्रावधान सरकार में पहले से भी रहा है, सरकार सब्सिडी देती रही है, लेकिन जो कृषि के बारे में लोन दिए जाते हैं उसमें और छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए। और कई बार ऐसे होता है, जैसे कि आपने देखा कि पिछले वर्ष भी कई किसानों की मौतें इस वजह से हो गई क्योंकि उन्होंने जो लोन लिए थे उसको पे कर पाने में वे काफी
अक्षम अपने को महसूस कर रहे थे, क्योंकि सूखे पड़ जाने के या किसी और जो है दैवीय आपदा जो होती है उसके वजह से वो टैक्स को पे कर पाने में, लोन जो लिया है उन्होंने उसको पे कर पाने में अक्षम रहते थे, इसमें कई मौतें भी हुई हैं। तो सरकार को इस तरीके जो कृषि का सेक्टर है उसमें हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें कम है, लेकिन उसको और कम किया जाना चाहिए। सब्सिडी का प्रावधान पहले भी था, सब्सिडी को गवर्नमेंट को और इस तरीके पहुंचाया जाना चाहिए कि उससे जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, जो खाद वगैरह हैं, वो महंगे ना होने पाए, और महंगे नहीं होंगे तो जो उत्पाद होगा वो सस्ता होगा और लोगों को अपना एक मुनाफा, जो किसान है उनको एक मुनाफा भी मिलेगा, और मुनाफा मिलने के बाद में जो लोन उन्होंने लिया है वो आसानी से पे कर पाएंगे। हालांकि इस पूरे बजट में एक बात निकल करके आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर सामने आ रही है राजीव कि मेक इन इंडिया पर भी काफी ध्यान दिया जाएगा और मेक इन इंडिया के तहत लगने वाले फैक्ट्रियों को भी काफी छूट का प्रावधान इस बजट में आ सकता है। तो क्या माना जाए कि अगर मेक इन इंडिया के तहत कई फैक्ट्रियां लगती है तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ने की भी उम्मीद लोगों के लिए अब बढ़ जाएगी? जी, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है ये बहुत ही सराहनीय है और ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है कि लोगों से राय मांगी जा रही है कि किस तरीके से देश के विकास में, अपने देश के विकास में, अपने क्षेत्र में जो है उद्योग लगाए जाएं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं, सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठा सकती है, इसके लिए मेक इन इंडिया का नारा दिया गया। मेक इन इंडिया के नारे देने के बाद लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन भी किया है, पार्टिसिपेशन के बाद में लोगों के सहयोगिता के और सहभागिता के आधार पे सरकार भी निर्णय ले सकती है और सरकार को ये पता चल सकता है कि आखिर में लोगों को जरूरतें क्या हैं, किस तरीके से योजनाएं लानी चाहिए और उन्हीं के जरूरतों के अकॉर्डिंग ही योजनाएं बनाई जाएं। तो एक ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया गया है, अब देखना ये होगा कि जो कॉन्सेप्ट लाया गया उस पर सरकार कितना अमल करती है। लोग जो डिमांड करते हैं, जो सबसे बड़ा डिमांड ये होता है कि अगर नए उद्योग लगाए जा रहे हैं तो नए उद्योगों को टैक्सेस में रिबेट दिया जाना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो लाया गया ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर कोई भी, अगर हम त्योहार की बात करें तो वहां पे अधिकतर जो है चाइनीज माल आके यहाँ पे इंडिया की मार्केट में पूरे डंप रहते हैं और उन्हीं की सेल होती है, क्योंकि अपना जो इंडिया का मार्केट होता है उससे काफी प्रभावित होता है। तो इन सारी चीजों को लेकर मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के बाद में, लोगों के सजेशन के बाद में सरकार उसको कितना उपयोग करती है इसको देखना होगा। हालांकि राजीव, जैसे कि खबरें मिल रही हैं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर और आज सुबह तमाम तरह की जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि देशी चीजों को, सभी देशी फार्मूलों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अगर हम बात करें तो सिगरेट, गुटखा और रेस्टोरेंट का खाना, ये सब चीजें महंगी भी हो सकती है। जी देखिए, वो ठीक है, अगर रेस्टोरेंट में खाने महंगे होते हैं तो वो रेस्टोरेंट में ऐसे लोग जाते, एक अभिजात वर्ग जाता है जिनको अगर 100 रुपए का सामान है 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर पाने में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक आम आदमी जाता है जिसकी पेइंग कैपेसिटी मात्र 25 रुपए है, अगर उसको राहत मिलती है तो ये राहत की बात मानी जाएगी। और अगर ये जिन उत्पादों की आप बात की, अगर वो महंगे किए जा रहे हैं तो ये अच्छी सी बात है, सरकार के पास में कहीं से भी रेवेन्यू भी आना चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन के लिए ऐसी जेबों पे सरकार ने नजर डाला है जहां से उनको धन मिल सकता है, तो एक ये स्वागत योग्य कदम हो सकता है अगर सरकार इस बारे में सोचती है। लेकिन जो एक आम आदमी है उसके लिए उसकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, उसके ऊपर टैक्सेस का बर्डन नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आम आदमी है जिस बहुत ही कम कमाता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स का बर्डन नहीं होना चाहिए। चलिए राजू, फिलहाल कुछ ही वक्त का इंतजार है, अब 11 बजे पिटारा खुल जाएगा और आम आदमी का आम बजट क्या होगा वह कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा। राजू, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।